नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर, नर्मदा तट के महायोगी। आज हम जिनके विषय में चर्चा करने जा रहे हैं उनका नाम है श्री भोरीलाल जी, छोटे दादाजी, अर्थात श्री हरिहरानंद जी महाराज। आप श्री दादाजी धुनी वाले बड़े दादाजी के प्रमुख शिष्य थे। श्री भोरीलाल जी यानी कि श्री छोटे दादाजी महाराज का जन्म राजस्थान के डीडवाना गांव में हुआ था। वह अपने माता पिता के एकमात्र पुत्र थे। आपके माता पिता का देहांत आपके बचपन में ही हो चुका था। सन 1916 में भोरीलाल जी यानी कि श्री छोटे दादाजी एक दिन गुरु की तलाश में काशी की तरफ निकल पड़े। ट्रेन में उन्हें श्री दादाजी महाराज की महिमा का पता चला तो उन्होंने साई खेड़ा की ओर जाने का निर्णय किया। उस समय उनकी उम्र लगभग 18 वर्ष थी। सिर पर मारवाड़ी पगड़ी, बगल बंदी, कानों में सोने की मुरकिया, हाथ में एक लोटा और रस्सी। भोरीलाल जी बड़े दादाजी के दरबार में पहुंचे तो वहां पर भक्तों की काफी भीड़ थी। भोरीलाल जी को देख श्री दादाजी महाराज बोले, अपना सामान निशान के पास रख दो। और श्री दादाजी दलान में गए और वहां बहुत दिनों से रखी हुई एक सूखी बाटी उठाकर भोरीलाल जी को दे दी और कहा, ये तुम्हारे घर की रोटी है, इसे खा ले। इसके पश्चात भोरीलाल जी यानी कि श्री छोटे दादाजी झंडे के नीचे बैठ गए। इतने में एक ढीमर तरबूज लेकर वहां आया और श्री दादाजी ने उसके कंधे से तरबूज उठाकर जोर से फेंका तो उसके दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा भोरीलाल जी की गोद में गिरा तो दादाजी बोले, इसे खा लो, तरबूज खाकर तुम भी तर जाओगे। एक दिन की बात है कि भोरीलाल जी दादाजी के पास बैठे थे, तब श्री दादाजी ने उसके सिर से पगड़ी और बगल बंदी उतार दी और नाई को बुलाकर कहा इस मोड़ा को सोल दो, अर्थात मुंडन कर दो। एक बार श्री दादाजी महाराज ने श्री भोरीलाल जी को अपने डंडे से बहुत पीटा तथा 31 दिनों तक भूखे प्यासे एक कोठरी में बंद कर दिया। भक्तों ने श्री बड़े दादाजी से विनती की तो श्री बड़े दादाजी महाराज कहने लगे, मोड़ा का कायाकल्प हो रहा है। थोड़ी देर बाद ही श्री दादाजी एक कटोरा भरकर कड़ी लाए और ब्रह्मचारी श्री भोरीलाल जी को पिलाते हुए कहा कि इस कड़ी की तरह कट जाना, पकोड़े के माफिक अटक मत जाना। इसके उपरांत श्री दादाजी महाराज ने श्री भोरीलाल जी का नाम हरिहरानंद रख दिया। श्री बड़े दादाजी का शिष्यत्व पाकर श्री हरिहरानंद जी में अलौकिक शक्ति आ गई। धीरे धीरे भक्तगण व दर्शनार्थियों में वे छोटे दादाजी के रूप में विख्यात हो गए। श्री बड़े दादाजी ने भी अपने शिष्यों में हरिहरानंद जी को प्रथम स्थान में रखकर अपने तेज गुण और तप से विभूषित किया। श्री दादाजी महाराज के पास भक्त जब दर्शन करने आते तो दादाजी महाराज कभी कभी डंडा मारकर उन भक्तों को भगाते और कहते कि उते जाओ, बा मोड़ा के पास, मेरे पास का धरो है, मेरे पास से ज्यादा तो उते मिलत है, मतलब कि वहां जाओ, उस लड़के के पास, मेरे पास क्या है, मुझसे ज्यादा सामर्थ्य तो उसके पास है। उनका तात्पर्य हरिहरानंद जी की तरफ रहता था। इस तरह श्री दादाजी महाराज ने श्री हरिहरानंद जी को सर्वगुण संपन्न किया था। श्री हरिहरानंद जी यानी कि छोटे दादाजी को उसी अवधि में कुछ दिनों के लिए बरेली भेज दिया गया था, इसीलिए उनको बरेली वाले दादाजी भी कहा जाने लगा था। एक बार दादा दरबार खंडवा के पशुधन को सराने वाले सेवक आबना नदी के दादा घाट की तरफ पशुओं को चरा रहे थे, तभी वहां पर एक सांप निकला, उसे सेवक मार रहे थे। तब वहां से गुजरने वाले श्री दादाजी दरबार के पंडित जी
श्री दुर्गानंद जी ने उन्हें मना करते हुए कहा कि ये तो श्री दादाजी महाराज के गले का हार है, इसे मत मारो। मगर लाख कहने के उपरांत भी उन सेवकों ने उस सांप को मार दिया। उसके बाद श्री दुर्गानंद जी दादा दरबार में अपनी कुटिया में आए, स्वस्थ हुए और कमर के वस्त्रों को सूखने के लिए फैला दिया। इतने में उन्हें श्री हरिहरानंद जी महाराज छोटे दादाजी ने बुलाया। वैसे देखा जाए तो दादा घाट दादा दरबार से तकरीबन आधे किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, फिर भी वहाँ का सब कुछ छोटे दादाजी ने देख और सुन लिया था। छोटे दादाजी ने पंडित श्री दुर्गानंद जी से पूछा कि सांप बिच्छू को मारा जाए तो क्या बिगड़ता है। दुर्गानंद जी ने कहा, भगवान, वो श्री दादाजी के गले का हार होता है। छोटे दादाजी ने हंसते हुए वहाँ उपस्थित भक्तों से कहा, जाओ रे, वो मरा हुआ सर्प लेकर आओ। भक्तगण दौड़कर घाट पर गए और उस मरे हुए सांप को लेकर दादाजी के दरबार में उपस्थित हुए। छोटे दादाजी भक्तों से बोले, हाँ तो फिर डालो इनके गले में। श्री दुर्गानंद जी के तो होश उड़ गए। उन्होंने छोटे दादाजी से बहुत विनती की तथा भक्तों को भी श्री दुर्गानंद जी ने बहुत कहा कि अरे मत डालो मत डालो। मगर छोटे दादाजी ने कहा कि नहीं, ये तो श्री दादाजी महाराज के गले का हार है, डालो इनके गले में। श्री दुर्गानंद जी कहने लगे, अरे भगवान, माफ़ करो, मुझसे गलती हो गई। और वहाँ से इधर उधर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन भक्तों ने पकड़कर पंडित जी के गले में सर्पहार डाल ही दिया। मित्रों, जब से सांप को दुर्गानंद जी के गले में डाला, तब से श्री दुर्गानंद जी शिव शंकर बन गए। वे जब भी जंगल में जाते थे, श्री दादाजी घाट की तरफ या कहीं भी, तो वहाँ सर्प अपने आप उनके पास आ जाते थे और श्री दुर्गानंद दादाजी उन्हें उठाकर अपने गले में डाल देते थे। सन 1941 की बात है, खंडवा के नामी वकील सुब्बाराव की पत्नी खंडवा में दादाजी के दरबार में आई और दादाजी से शिकायत करने लगी कि यदि आप भगवान हो तो हमारी सुनो, खंडवा में पानी नहीं बरस रहा है, आप बरसाओ तो जाने। श्री छोटे दादाजी बोले, वैसे तो मैं एक सन्यासी हूँ, फिर भी अगर ज़्यादा ही है तो 2 आने का गूगल और 8 आने का सिंदूर ले आ, मैं बरसात करवा देता हूँ। मगर वह महिला शिकायत करने के बाद श्री दादाजी महाराज की बात की ओर ध्यान ना देकर दरबार से चली गई। मगर दादाजी ने उस स्थान पर बैठकर गूगल और सिंदूर मंगवाया तथा हवन किया और देखते ही देखते जमकर बारिश शुरू हो गई। बारिश भी ऐसी कि 3 दिन तक रुकने का नाम नहीं लिया। हरिहरानंद जी को भक्त छोटे दादाजी के नाम से पुकारते थे। दादाजी धूनी वाले की समाधि के बाद हरिहरानंद जी को उनका उत्तराधिकारी माना जाता था। हरिहरानंद जी ने बीमारी के बाद सन 1942 में महानिर्वाण को प्राप्त किया। श्री छोटे दादाजी की समाधि बड़े दादाजी की समाधि के पास ही स्थापित की गई। दोस्तों, आपको छोटे दादाजी की जीवनी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर